अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम ज़ैन कामरान है और मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद करता हूँ। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज आपको मैं पिक्सेल लैब के ज़रिए आपको मैं अच्छा सा एक थंबनेल बनाना सिखाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आप इसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका आइकन कौन सा है। इससे पहले कि मैं आपको ये सब कुछ बताऊँ, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चले हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जिस तरह कि मैं आपको ये बता चुका हूँ कि आज आपको मैं पिक्सेल लैब के ज़रिए एक अच्छा सा थंबनेल बनाना सिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप इसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका आइकन कौन सा है। तो आपने इसको डाउनलोड कहाँ से करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च बार पर लिखना है पिक्सेल लैब, आपको एक पहले या दूसरे नंबर पर नज़र आ जाएगी। तो इसका आइकन ये वाला है, जिसको मैं दायरे पर लिया है वो है इसका आइकन पिक्सेल लैब। ये देखिए नीचे लिखा भी हुआ है पिक्सेल लैब। तो हम इसको ओपन करते हैं, ये देखें हमारे पास डायरेक्ट ही ओपन हो गया है। हमने करना है ओके, एक मिनट, ये देखें एक यहाँ पर आपने थ्री डॉट्स पर जाना है। हम यहाँ थ्री डॉट्स पर गए और जाना है हमने इमेज साइज। चले पहले हम यहाँ से एक अच्छा सा थंबनेल ले लेते हैं जिस तरह का हमें चाहिए। मैं यहाँ पर डुप्लीकेट वाला ऑप्शन की तरह है तो मैं वहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं किस तरह थंबनेल बनाता हूँ। तो ये देखें आपको एक कलर का निशान नज़र आ रहा है, ये देखें अब वहाँ पर क्लिक करें, ये देखें अब यहाँ पर क्लिक करें, कलर पे जाते हैं, कलर पे आपको ये वाले मिल जाएंगे ग्रेडियंट। तो मैं इस तरह एक थंबनेल बनाता हूँ। मैं टिक कर देता हूँ इसको। एक आपने चीज़ देखी है, ये देखें प्लस वाला साइन इसके साथ है। अगर आपके पास कोई भी फिल्टर ऐड है या फिर है कोई चीज़ तो आप वहाँ से अपना सेव भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपना थंबनेल भी अच्छा सा बना सकते हैं, उसके ज़रिए भी आप थंबनेल बना सकते हैं। तो चले हम पहले थ्री डॉट्स पर क्लिक करते हैं, इधर टिक कर दिया, हम थ्री डॉट्स पर क्लिक किया, करने के बाद हमने इमेज साइज़ पर क्लिक किया, कस्टम पर हमने किया। ये देखें एक अच्छी बात ये है कि ये देखें इधर कस्टम भी होता है, स्केल भी होता है, प्रोफाइल पिक्चर स्केल में भी ले सकते हैं, यूट्यूब थंबनेल बैनर भी बना सकते हैं, फेसबुक कवर आर्ट भी बना सकते हैं, गूगल प्लस कवर फोटो बना सकते हैं, ट्विटर हेडर साइज भी बना सकते हैं। तो हमने बनाना है यूट्यूब थंबनेल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये देखें उसके शेप की तरह का हो गया है। तो हम यहाँ से अब ले लेते हैं एक पिक, ये देखें प्लस पर क्लिक किया, ये वाला साइन है प्लस का, ये यहाँ पर हमने क्लिक किया, देखें फ्रॉम गैलरी हमने यहाँ से पिक ले ली। चले ये वाले मैंने एक पिक ले ली। आप यहाँ से किसी तरह भी कोई शेप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। ये देखें आप यहाँ से न्यू टेक्स्ट को मूव भी कर सकते हैं। तो अब आ जाती है बात स्ट्रोक्स की, अब हमने लगाना है स्ट्रोक अच्छा सा इसका स्ट्रोक। ये देखिए डुप्लीकेट के पीछे वाले एक ऑप्शन है, ये वाला, ये ए के आगे ऑप्शन है, तो आपने अगर इसको तस्वीर को क्लिक ना किया तो आपको स्ट्रोक्स वाला ऑप्शन नहीं देगा, आपको सिर्फ ये वाले ऑप्शन देगा। तो हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें इतने ज़्यादा ऑप्शन देने शुरू हो गया है। तो हम यहाँ पर स्ट्रोक्स, ये देखें स्ट्रोक्स, आप यहां पर स्ट्रोक्स पर जाएं और इसको अनेबल कर दें, ये देखें
अगर आप वाइट रखना चाहते हैं वाइट रख सकते हैं, रेड भी रख सकते हैं। ये देख, तो मैं इसको वाइट रख लेता हूँ, टिक पर क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा ये तो हो गया काम पूरा पिक का। अब हमने लिखना है टैक्स। टैक्स ये देखें, एक पेंसिल का निशान आपको नज़र आ रहा है, पेंसिल पर हमने क्लिक किया। ये देखें, इधर लिख देता हूँ मैं हाउ टू, एक उसके हिसाब से लिखना है। ये देखें, अगर आपने बड़ा करना है तो ये देखें, आप इस तरह भी बड़ा कर सकते हैं। फिर हम प्लस पर क्लिक करते हैं और टैक्स पर जाते हैं। एक और हमारे पास टैक्स आ गया है, ये देखें। हाँ, फिर पेंसिल की तरफ जाते हैं, फिर पेंसिल पर क्लिक करते हैं, लिख देते हैं हाउ टू ग्रो योर ये देखें हाउ टू ग्रो योर फिर प्लस पर क्लिक किया, टैक्स हमारे पास ख़त्म हो गया। फिर हमने लिया एक, ये देखें टेढ़ा हो गया है टैक्स, हम इसको डिलीट कर देते हैं। ओके पर क्लिक, फिर प्लस, फिर एक टैक्स आ गया है हाउ टू, हमने लिखना है। अब हम इसको इधर सेट कर देते हैं, फिर पेंसिल पर क्लिक करते हैं, इधर जाते हैं, लिख देते हैं चैन, ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर हमने क्लिक कर दिए, ये देखें। अब हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ये देखें। अब मुझे ये मसला बन रहा है कि मैं अब इसको, इस लाइन को ख़त्म करूं जो ग्रो के ऊपर इर्द गिर्द मूव हो रही है। तो मैं इसको ख़त्म करूंगा, नीचे की तरफ सेलेक्ट हो जाए, ऊपर ख़त्म करूंगा, ऊपर की तरफ इसको करूंगा तो तस्वीर की लाइन आ जाएगी। तो सबसे आसान तरीका यह है कि हम प्लस पर क्लिक करते हैं और एक टैक्स होल्ड ले लेते हैं। ये देखें, लाइन ख़त्म हो गई है। आप टैक्स को किस तरह डिलीट करें, टैक्स पर क्लिक किया हमने, इसको डिलीट कर दो। ओके, देखें हमारा एक अच्छा सा थंबनेल बन गया है। अब अगर आप चाहते हैं आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखें, अगर आपने नया टैक्स चेंज करना है, चलिए एक मिनट में आपको करके बता देता हूँ, एक मिनट, ये देखिएगा। हमने टैक्स लिया, पेंसिल पर क्लिक किया, फिर पेंसिल, एक मिनट, पेंसिल पर क्लिक किया, फिल्टर पर गए, तो हम इसको रेड कर देते हैं। पेंसिल पर क्लिक करते हैं हाउ टू, ओके काट देते हैं। ये देखें, तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी आप बाकी बना सकते हैं, मैंने आपको एक ही बताया है। तो ये था कि आप यहाँ से किस तरह थंबनेल बना सकते हैं। तो अब अक्सर लोगों को यहाँ पर लाइन का मसला बनता है, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैंने लाइन डिलीट कर दी है। ये देखें, मैंने अब ये लाइन इर्द गिर्द, हाउ टू के इर्द गिर्द वाली लाइन ख़त्म करनी है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये दरमियान में लाइन आ जाएगी, ग्रो पर क्लिक करूँगा तो ग्रो के इर्द गिर्द घूम जाएगी। ये प्लस पर हम क्लिक करते हैं और टैक्स पर जाते हैं, फिर हमने डिलीट कर दिया, ओके कर दिया, ख़त्म। ये देखें हमारा चैनल, हमारा ये थंबनेल अच्छा सा एक बन गया है। अब बारी आ जाती है इसकी सेव की, सॉरी मैसेज आ रहे हैं। तो ये देखें, आपने सेव करना है यहाँ से, ओके पर क्लिक किया, सेव एज प्रोजेक्ट पर क्लिक कर रहे हैं, सेव एज इमेज, और हमने इमेज पर सेव कर दी। अब आप चाहते हैं, अब आप जिस तरह का मर्ज़ी रख सकते हैं। ये देखें क्वालिटी आप डिफ़ॉल्ट, सॉरी डोमेंशन आप रख सकते हैं कस्टम, लो, मीडियम, और भी आप रख सकते हैं। मैं यही, इसकी हाइट और विड्थ भी आप चेंज कर सकते हैं, हाइट भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें PNG और JPG फॉर्मेट हैं इसके, तो आप इस तरह कर सकते हैं। और विड्थ भी आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हाइट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगा। तो
आप यहाँ से डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं और मैं इसको सेव गैलरी भी कर सकते हैं, तो मैं इसको सेव गैलरी कर देता हूँ और ये मैं गैलरी में सेव, ये देखें इमेज सेव हो गई है। तो ये था कि आप किस तरह पिक्सेल लैब के ज़रिए अपना एक अच्छा सा थंबनेल बना सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और एक बात और, अगर आपको फिर भी इसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।